हेलो स्टूडेंट, क्लासेस लाइट चैट में बात करते हैं। तो लाइट चैट में आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या होती है। बेसिक चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि लाइट क्या होता है, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, कैसे नहीं देख पाते हैं। तो वैसे जो जनरल प्रोसेस होती है उसके आधार पर आज हम लाइट पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ लाइट? बोल सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एवर टू अस टू सी। मतलब क्या होता है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है। लिख सकते हैं क्या होती है लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 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 लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। तो एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती, हमने सीख लिया। दूसरी बात यह है कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, हमने देखा होगा बेटा कि जो लाइट होती है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो फर्स्ट थिंग क्या होगी बेटी, तो हमारी फर्स्ट थिंग हो जाएगी कि लाइट ट्रेवल टू या ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट लाइट ट्रेवल ट्रेवल्स करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। ट्रेवल इन अ स्ट्रेट STRAGI स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ कैसे मान लीजिए लाइट होती है आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बेटा कुछ नहीं करना, एक लाइट लेना और एक कागज लेना, कागज का रोल करना और उसको बैंड बनाना। जब हम लाइट को पास करते हैं तो लाइट उसके आप पर चले जाएगी, लेकिन जब आगे से आप बैंड कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उस कागज को, उस पेपर को, तो जो लाइट होती है वो आगे पास नहीं हो पाती है। इसका मतलब क्या पता चला कि जो लाइट होती है वो हमारी क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है, है ना। दूसरी चीज क्या सीखेंगे, इट हैज अ ड्यूल नेचर, पार्टिकल्स एंड वेव्स। तो इसका ड्यूल नेचर होता है, इट हैज अ ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर। बेटा दोनों का अलग अलग, एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस जिन्होंने कहा था कि जो लाइट होती है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है, और जो न्यूटन थे उन्होंने कहा था एक प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनको पढ़ते हैं तो क्या कि वो अलग हो जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइट होती है एक कणों के रूप में आगे बढ़ती है, और दूसरा होता है तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। तो लाइट में क्या होता है, एक प्रकार के ड्यूल नेचर्स होता है। तो लाइट है ड्यूल नेचर, तो लाइट होती है वो ड्यूल नेचर होती है इसकी। थर्ड थिंग इज कि लाइट का शैडो, लाइट होती है शैडो बनानी, हम लिख सकते हैं लाइट कास्ट शैडो SHADOW। तो लाइट का शैडो, लाइट क्या करती है शैडो बना। बच्चों आपने देखा होगा जो लाइट होती है हम पीछे परछाई टाइप की देखते हैं, जब लाइट के कारण ही हमारा शैडो बनती है। और लाइट में क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखो ये हमारा पेड़ है, ये कोई भी जीव जंतु मान लो, ये पेड़ हो गया या कोई भी कुत्ता उत्ता टाइप मान लो, जीव जंतु कोई भी ले जाए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लाइट है, सूर्य का कैसा लाइट आ रही है, और यहाँ पर हमारी आई है, ठीक है। अब हम अगर ये लाइट ना हो तो उस कंडीशन में ये चीज हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक। अगर क्या होता है कि सन जो होता है डायरेक्टली दिख जाता है, क्योंकि लाइट की रेज होती है डायरेक्ट हमें, बट ये जो पेड़ पौधे हैं और जो हमारा जीव जंतु है ये हमें कैसे दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है कि जो लाइट होती है, इस लाइट के जो पार्टिकल होते हैं, जो लाइट होती है ये क्या करती है, इस पर फॉल, ठीक, इसने इसको फॉल किया, या ये लाइट होती है इस पर इसको फॉल किया। तो ये लाइट होती है इसको फॉल करती है, तो फॉल करने के बाद डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो लाइट क्या रिफ्लेक्ट, इसकी लाइट होती है हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जब ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, इस प्लांट पर या एनिमल्स
ठीक बात, ठीक है। अब ये भी रिफ्लेक्ट करती है हमारी आंख में पड़ती है तब जाकर हमें ये चीज विजुअल तब जाकर हमें दिखाई देती है। तो क्या पता चला कि जब कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसके बाद हमें क्या होता है नया ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, बढ़िया। तो जो लाइट होती है हमें कब दिखाई पड़ती है, जब ये लाइट इस पेड़ पौधों पर या प्लांट पर या किसी भी पड़ती है ऑब्जेक्ट पर, तो ये लाइट को क्या कर देता है, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक, जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है तो उसके बाद हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये तो हमें पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है। अगला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में स्पीड होती है, इन वैक्यूम कितनी होती है, 3×10^8 m/s, 3×10^8 m/s। एक बार, तो जो लाइट होती है सब में निर्वात सम होते हैं, सब में इसकी लाइट की रेंज अलग होती है। वाटर में करेंगे तो उसकी लाइट अलग होगी, एयर में करेंगे उसकी लाइट अलग होगी, तो हमारा कांच में होगी, ग्लास में उसकी लाइट उसमें अलग होगी। तो सभी जगह जो लाइट होती है उसकी स्पीड भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जितने भी मीडियम होंगे उन सभी मीडियम के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक बात, जैसे हम लोग हैं, एग्जाम्पल हम अपने ऊपर देते हैं, अगर हम एक प्रकार से लाइट का काम करें, हम चल रहे हैं किसी भी एक प्लेन भूमि पर चल रहे हैं, प्लेन जगह पर, और एक हम रेतीली जगह पर और एक पानी में, अगर हमसे कहा जाए कि दौड़ो, तो हमारी जो स्पीड होगी वो सभी मीडियम के लिए अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि हम रेत में भी एक जैसा दौड़ लें, प्लेन में भी एक जैसा दौड़ लें और पानी के अंदर भी, ऐसा नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जो लाइट रेज होती है, वो जो लाइट रेज होगी उसकी स्पीड भी सब डिफरेंट डिफरेंट होती है सब जगह। लेकिन हमें क्या कहना है कि स्पीड ऑफ लाइट होती है नेटवर्क, जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होगी वो होगी 3×10^8 होती है। ठीक है, और जब लाइट किसी भी सरफेस पर फॉल करती है तो या तो वो रिफ्रैक्शन होगी या रिफ्लेक्शन होगी, उसकी दो ही कंडीशन होती है, या तो वो रिफ्लेक्शन होगी और या रिफ्लेक्शन होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में चर्चा करते हैं। आज ये हमने पढ़ा कि लाइट किसे कहते हैं और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। धन्यवाद।